गर्मी के मौसम में सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो होती है मुंह का अल्सर हो जाना या मुंह का छाला हो जाना। कभी कभी ये इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हम कुछ भी खाते हैं तो हमें इतनी जलन होने लगती है, और ये कभी कभी पूरे मुंह में हो जाते हैं जिसकी वजह से हम खाना भी नहीं खा पाते हैं। ये इतने ज़्यादा दर्द होने लगता है। इससे छुटकारा पाने के लिए 2-3 दिन में जड़ से इसको ख़त्म करने के लिए आज मैं एक घरेलू नुस्खा बता रही हूँ। 3 नुस्खे बताऊँगी, जो भी आपको अच्छी लगे आप उसको अपना सकते हैं। चाहे भयंकर से भयंकर आपको छाले हो गए हैं या फिर पूरा मुंह आ गया है, मुंह आना भी इसे बोलते हैं, अगर पूरे मुंह में छाले हो गए हैं, पूरा मुंह लाल रंग का दिखने लगा है, सारा कुछ ठीक कर देगा ये जो आज घरेलू नुस्खे मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। पहले दिन से ही अच्छा महसूस होगा, लगाते ही आपको बहुत ही राहत मिलेगा, ना ही कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, ना ही आपको बाज़ार से कुछ लाने की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत ही आसान घरेलू उपाय मैं बता रही हूँ आज। तो इसका सबसे पहला जो उपाय है वो है कि आइस क्यूब्स अगर आपके घर में है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप बाहर से कहीं से भी पड़ोसी से भी लेकर आ सकते हैं। सिर्फ 2 आइस क्यूब की आवश्यकता है। ये आपके जो भी छाले हैं उसको 100% ठीक करेगा, असरदार उपाय है। इस आइस क्यूब को क्या करना है, आपको सिर्फ 1 आइस क्यूब लेना है और इसको अपने मुंह के अंदर डाल देना है। मुंह के अंदर रखें, कम से कम इसे तब तक रखना है जब तक ये पूरे बर्फ जो है, ये आइस क्यूब है, वो पूरे मुंह में पिघल जाए और इसके जो पानी निकलेगी मुंह से वो आपको घोटना नहीं है, वो पानी आपको फेंक देना है। पानी को फेंकना है, बीच बीच में फेंकते रहिए और ये पूरे आइस क्यूब्स आपको मुंह में पिघलने के लिए छोड़ देना है। इससे आपके जो मुंह में दर्द है, जीभ में जो छाले हैं, उससे बहुत ही आराम मिलेगा। आप इसे, अगर आपके पास वक्त है, तो 2 से 3 बार आप इसे आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वक्त नहीं है, आप ऑफिस वगैरह जाते हैं या कोई काम बिजी रहते हैं, तो 1 बारी भी आप इसे करेंगे तो आपको इससे लाभ मिलेगा। चलिए दूसरा आपको बता देती हूँ उपचार क्या है। इसमें आपको ये उपचार हथेली पे ही बनाना है और ये उपचार मेरी दादी का बताया हुआ है, वो इसे अपनाती थी, उनसे मैंने सीखा है। तो देखिए, ये हमें हथेली पे रखना है सेंधा नमक। सेंधा नमक थोड़ा दरदरा होता है तो उसे थोड़ा सा आप पीस लीजिए। अगर इतना वक्त नहीं है तो हथेली पे ही इसे रखना है और बिल्कुल दरदरा आपको इस्तेमाल नहीं करना है। और इसमें डालना है बिल्कुल थोड़ा सा तिल का तेल डालिए। उसके बाद इसमें आपको डालना है हल्दी का पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, 1 चुटकी, जितना छाला है उसके हिसाब से आपको ये बनाने हैं। और थोड़ा सा इसे उंगली की मदद से मिलाना है। हथेली पे बनाने का ये फ़ायदा है कि हम इसे जब मिलाएंगे तो अगर ये खुरदरा जैसा लगेगा तो हमें इसका प्रयोग नहीं करना है। इसको अच्छे से मिलाना है हाथ पर, जब ये बिल्कुल चिकनाहट लगने लगेगी तो यानी ये जो भी इसके दाने हैं वो अच्छे से घुल गए हैं नमक के, बिल्कुल दरदरा नहीं रहा, तो ही हमें इसे जहाँ जहाँ मुंह में आपके छाले हैं, जीभ में आपके छाले हैं, वहाँ वहाँ पे आपको इसे लगा लेना है। लगाने के बाद आपके मुंह में हल्की जलन हो सकती है, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इससे आपके जो मुंह में जो भी छाले हैं वो ठीक हो जाएगा। आपको मुंह की जो लार आएगी, थूक आएगी, उसे बाहर की तरफ फेंक देना है और मुंह को नीचे लटका के रखना है, जो भी लार है वो नीचे की तरफ टपक जाए। इसे लगाने के बाद कम से कम 30 सेकेंड के लिए आपको छोड़ देना है, मुंह में लार को बनने देना है। उसके बाद आपको एक
ग्लास में हल्का ठंडा पानी लेना है और उससे गरारे करने हैं। पानी को मुंह में डालिए, 30 सेकेंड के लिए रखिए और फेंक दीजिए। कम से कम पानी को मुंह में 30 सेकेंड के लिए आपको रखना है, उसके बाद आपको पानी को फेंकना है। इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। अभी चलिए जान लेते हैं कि तीसरा उपाय उपचार हमें किस तरह से करना है। तीसरे उपचार में हमें लेना है 1 गिलास पानी। पानी अगर आपके पास हल्का नॉर्मल हो, गर्म पानी का इस्तेमाल यहाँ नहीं करना है, हल्का ठंडा पानी ही यहाँ पर लेना है। उसके बाद आप इसमें डालेंगे शहद। शहद जिसे हम हनी बोलते हैं, वो वाली शहद आपको लेनी है। शहद आपको छोटे चम्मच से 1 चम्मच शहद लेना है। बड़े चम्मच अगर हैं तो बड़े चम्मच से 1/2 चम्मच आपको शहद लेना है। और इस शहद को पानी में हमें तब तक मिलाना है जब तक ये शहद अच्छी तरह से पानी में मिल जाए। शहद ठंडे पानी में, हल्का जो नॉर्मल पानी होता है, मिलने में थोड़ा वक्त लगता है। अच्छे से मिला लीजिए आप इसे। उसके बाद आपको इस पानी से आपको कुल्ली करना है। पानी को पीना नहीं है, आपको कुल्ली करना है। और ये पानी एक बार मुंह में लीजिए और इस पानी को आपको कम से कम 30 सेकेंड के लिए मुंह के अंदर ही रखना है, बाहर नहीं फेंकना है, तभी ये आपको काम करेगा। इसके लगभग आपको दिन में 2 बार ये करना है। जो भी आपके छाले हैं या फिर मुंह पक गया है, इसका ये 100% उपचार है। अगर आपको ये समस्या है, आप इसे अभी से शुरू करें, आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तीनों घरेलू नुस्खे जो हमने शेयर करी है, तीनों ही बहुत ही फायदेमंद है। 3 इसलिए बताया कि जो भी सामग्री आपके घर में मौजूद है, आप उसकी मदद से कोई एक कर सकते हैं, जो भी सामान आपके घर में उपलब्ध है। और इससे आपको बहुत ही जल्दी राहत मिलेगी। कुछ ज़रूरी बात बताना है, ये जो मुंह के छाले होते हैं वो पेट की गर्मी की वजह से भी कभी कभी होते हैं, तो इसके लिए आपको खीरा खाना है, ककड़ी खाना है, साथ ही साथ छाछ जो होती है, छाछ खूब पीजिए, पानी खूब सारा पीना है। फलों में अगर आपको तरबूजे मिल जाते हैं, खरबूजे मिल जाते हैं, तो उसका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना है। इससे आपके पेट में जो गर्मी है वो बाहर निकलेगा और आपको ये बार बार जो छाले की समस्या है उससे छुटकारा मिलेगा। आप पूरी रात आप धनिया का पानी, मैंने पहले बताया है, वो भी रख सकते हैं और उसे भी सुबह पी सकते हैं। उससे आपके पेट साफ रहेगी तो छाले की समस्या बार बार नहीं होगी। वीडियो को शेयर कर दीजिए, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। कुछ भी पूछना है कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया। स्वस्थ रहें, खुश रहें।